दो पर्यटक सहित कोरोना के 5 नए केस पैरासीटामोल और एंटी एलर्जिक दवा से ठीक हो रहे हैं मरीज। कोरोना संक्रमित मरीजों में मामूली लक्षण मिल रहे हैं। कोरोना संक्रमित 70% मरीज पैरासीटामोल और एंटी एलर्जिक दवाएं लेकर ठीक हो रहे हैं। 10% मरीजों को सांस लेने में परेशानी की समस्या हुई, उन्हें भी भर्ती नहीं करना पड़ा। CMO डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि 23 मार्च से अभी तक कोरोना के 48 केस मिल चुके हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों में सर्दी, जुकाम, गला खराब और बुखार के लक्षण मिल रहे हैं। इन मरीजों को घर पर ही रैपिड रिस्पांस टीम द्वारा दवा उपलब्ध कराई जा रही है। 70% मरीज पैरासीटामोल और एंटी एलर्जिक दवाएं लेकर ठीक हो रहे हैं। मरीजों से पौष्टिक भोजन लेने के साथ ही पानी का सेवन अधिक करने के लिए कहा जा रहा है। अभी जो जितने मरीज कोरोना संक्रमित हुए हैं उसमें से 95% को वैक्सीन लग चुकी है, इसलिए भी मामूली लक्षण मिल रहे हैं। 4 दिन बाद ही लें एंटीबायोटिक। रैपिड रिस्पांस टीम के प्रभारी डॉक्टर नंदन सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों को दी जा रही किट में पैरासीटामोल, एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन की दवाएं हैं। 4 दिन बाद भी बुखार न उतरने पर ही मरीजों से एंटीबायोटिक लेने के लिए कहा जा रहा है। 2 पर्यटक सहित कोरोना के 5 नए केस। कोरोना के सोमवार को 5 नए केस मिले हैं। इसमें कर्नाटक और महाराष्ट्र की महिला पर्यटक शामिल हैं। इनका ताजमहल पर एंटीजन टेस्ट किया गया था, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 49 वर्ष के खंडारी जेल रोड और 24 वर्ष के युवक पर कोरोना की पुष्टि हुई है। अस्पतालों में मॉक ड्रिल आज कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए व्यवस्थाएं परखने को मंगलवार को सुबह 11 बजे मॉक ड्रिल होगी। SN मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल के साथ ही 6 CHC पर मॉक ड्रिल में व्यवस्थाएं देखी जाएंगी।